हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूं। ईयू यानी कि यूरोपियन संघ ने जो है यूरोपियन यूनियन ने जो है नए सैंक्शंस किसके अगेंस्ट में लगाया है रिगार्डिंग ओवर यूक्रेन इशू, यानी कि यूक्रेन के मुद्दे पर किस सरकार के खिलाफ या किस देश के खिलाफ यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है? चीन, अमेरिका, रूस या फिर उत्तर कोरिया? तो देखिए फिलहाल जो राइट आंसर होगा, देखो यूक्रेन के ऊपर जो है रसिया ने अटैक किया है, इन्वेजन जो है रसिया ने करी है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रसिया इज करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, रसिया ने ही जो है अटैक किया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब जो है अगर आप यूज करोगे तो उसके लिए पैसे देने होंगे, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल यानी कि कंपनी जैसे कि टाटा हो गई या फिर हीरो कंपनी हो गई या होंडा कंपनी हो गई या फिर मोबाइल कंपनी रेडमी, सायोमी या फिर रियलमी, ये सब कंपनीज जो ट्विटर पे अकाउंट खोलेगी तो उन्हें पैसे देने होंगे, और ये राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन देखो मैं आपको अभी बता दूँ, ये पाइपलाइन में चीज़ें हैं, एलन मस्क जब तक पैसे देकर ट्विटर को खरीद नहीं लेते तब तक ये चीज़ें नहीं लागू होगी, और फिलहाल एज ऑफ नाउ ये तो लागू हुआ नहीं। और यहाँ से आप इनको देख सकते हो, एलन मस्क बहुत ही इनोवेटिव इंसान है, स्पेस एक्स हो या फिर टेस्ला की कार हो, बिल्कुल इनोवेटिव आइडिया से इन्होंने जो है पूरे वर्ल्ड को फ़ायदा पहुँचाया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्री लॉन्चेस सस्पेक्टेड बैलिस्टिक मिसाइल, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किस देश ने किया है? जापान, चीन, उत्तर कोरिया या रसिया? याद रखिए संदिग्ध वाली जहां बात आती है तो वहां पे दो ही कंट्री का नाम आप याद रखना, एक तो चाइना और एक उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। तो फिलहाल चाइना जो है थोड़ा सा जो है अपने आप को गलत कामों में से थोड़ा सा ऊपर रखने की कोशिश करता है, लेकिन उत्तर कोरिया किसी भी चीज़ का अकाउंटेबल नहीं है, तो राइट आंसर आपका होगा उत्तर कोरिया ही। यहाँ से आप इनके इसके सरकार को भी देख सकते हो, जिम योंग किंग, बहुत ही बड़ा फ्रिक मतलब पागल सा, ल्यूनेटिक सा, ये क्या है वहाँ का राजा ही है, आप किंग ही बोलो इसे, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, क्योंकि इसके पिताजी भी थे, इसके बाद ये बना और इसके बाद इसके बच्चे भी किंग ही बनेंगे यहाँ के। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किस राज्य में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली में, गोवा में, सिक्किम में या असम में? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ से आप देख लो, यहाँ से आप हॉकी इंडिया का लोगो भी देख सकते हो, और देखिए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है हॉकी इंडिया में टोटल कितने हॉकी हैं, नीचे कमेंट करके इसका आप आंसर करोगे कि हॉकी इंडिया के लोगो में टोटल नंबर ऑफ हॉकीज कितनी है, नीचे हॉकी स्टिक जो है वो आप बता दीजिए नीचे कमेंट करके। फिलहाल जो राइट आंसर होगा ये आप जान लो कि ये गोवा में होने वाला है, गोवा में ये प्रतियोगिता हो रही है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर किस राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं? असम, सिक्किम, मिजोरम या नागालैंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा, यूनियन मिनिस्टर 3-डे विजिट टू नागालैंड। देखिए नागालैंड बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे ट्राइब्स जो है वहाँ पे वो रिबेलियन बन चुके हैं, बहुत सारे लोग जो है अटैक करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसल पे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आपके सामने ये रहा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप NBS की तैयारी कर रहे हो, नवोदय विद्यालय संगठन की, KBS की, DSSSB की, तो 100 रुपीज़ में आप जो है 200 क्वेश्चन पेपर एक्वायर कर सकते हो। तो और एक और बात, आप जो है नोट्स भी मुझसे परचेज कर सकते हो, नोट्स मेरे हैंड रिटन नोट्स आप ले सकते हो, यहाँ से देख लीजिए 499 में ये नोट्स आपको मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों ने परचेज कर लिया है, नोट्स की प्राइस बढ़ जाएंगे, उससे पहले ही आप नोट्स ले लें। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। यहाँ से देख लीजिए, हाल में ही किस देश ने यूक्रेन को 173 अमेरिकी डॉलर देने की मिलियन जो है यूक्रेन को ऐड देने की घोषणा करी है? चाइना ने, इंडिया ने, अमेरिका ने या ऑस्ट्रेलिया ने? तो देखिए इसमें से दो कंट्री को तो आप बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हो, पहला है चाइना और दूसरा है इंडिया। चाइना और इंडिया जो है दोनों कंट्री से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस बना रही है, और कुछ कुछ फायदे के लिए जो है रसिया से तेल वगैरह परचेस कर रही है, तो यूक्रेन को हेल्प देने की बात तो ये दोनों कंट्री करेगी नहीं। इसके बाद आती है बात अमेरिका की, तो अमेरिका डेफिनेटली हेल्प कर रहा है, बट इतनी डॉलर की हेल्प जो है इस बार ऑस्ट्रेलिया ने करी है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने जो है 173 US मिलियन डॉलर का एड जो है यूक्रेन को दिया है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिसेंटली किस कंट्री ने सऊदी अरेबिया से SBP को दी गई जमा राशि को वापस नहीं देने का आग्रह किया है। आपको बस ये बताना है सऊदी अरेबिया से SBP को जमा राशि वापस नहीं देने का आग्रह किस कंट्री ने किया है। टर्की ने, इराक ने, पाकिस्तान ने या कतर ने। तो यहाँ से देख लो आप, वी हैव रिक्वेस्टेड रियाद नॉट टू विड्रॉ डिपॉजिट्स, और ये कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर की बात आप यहाँ से देख सकते हो, और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ओर से स्टेटमेंट आई है। यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको बस ये बताना है कितने प्रतिशत किसानों ने जेवर हवाई अड्डे के दूसरे चरण के लिए भूखंड छोड़े हैं। देखिए जब भी सरकारी प्रोजेक्ट बनते हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट की तैयारी होती है ना, तो ज़मीन का अधिग्रहण, लैंड का जो एक्वाजिशन है वो किया जाता है। तो कितने प्रतिशत किसानों ने जो है द्वितीय चरण के लिए भूखंड छोड़े हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा आप यहां से देख लीजिए, जेवर एयरपोर्ट। कमेंट करके नीचे बताइएगा जेवर एयरपोर्ट किस स्टेट में बन रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप यहां से देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा 33% किसानों ने जो है अपना ज़मीन को छोड़ा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको बताना है डिएगो मैराडोना कि हैंड ऑफ गॉड जर्सी कितने रुपए में बिकी। सिंपल सी बात है, उनकी जो गॉड जर्सी थी उनको नीलामी पे सॉल्ट के लिए रखा गया, तो उससे कितनी धनराशि मिली, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ या 80 करोड़। इसका जो राइट आंसर होगा आप यहां से देख लीजिए, 70 करोड़ रुपए ये मैं ये बिका, और यहां से आप देख सकते हो हैंड ऑफ गॉड, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 70 करोड़ रुपीज़, यानी सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उससे एक्चुअली अगले क्वेश्चन तो नहीं है बट ये कोई पॉइंट्स ऑफ द डे की बारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चेस आजादी से अंत्योदय तक, तो ये गिरिराज सिंह ने कहा था, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहने वाले हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।